Good morning, dear friends. Welcome to this morning meditation time. सुप्रभात मेरे मित्रों और आज के सुबह इस मनन में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। Thank God for this brand new day. और धन्यवाद परमेश्वर का इस नए और सुंदर दिन के लिए। In order to hear the voice of God, we need to be quiet. और परमेश्वर की वाणी सुनने के लिए ये जरूरी है कि हम शांत हो जाएं। So let our concentration be on God Himself. और इसलिए होने दे हमारा ध्यान सिर्फ परमेश्वर पर हो। Today's meditation is taken from the book of Exodus chapter 33. और आज का मनन लिया गया है निर्गमन उसके 33वें अध्याय से। Verse 14. और 14वें वचन से। In this passage there is a promise of God. और इस वचन में हम देखते हैं कि क्या एक वादा परमेश्वर का है। His own presence shall go with the people of Israel during their wilderness journey. और जब ये लोग जंगल से या मरुस्थल से अपनी यात्रा को करेंगे, इज़राइल के लोग कैसे परमेश्वर का उपस्थिति उनके साथ रहेगा? So the promise of God's presence with His people, that is the subject. और आज की सुबह का मनन का जो शीर्षक है वो ये है कि कैसे परमेश्वर का उपस्थिति उसके लोगों के साथ रहता है। And this will be in two parts. और ये हम दो भागों में इसका मनन करेंगे। Exodus chapter 33 records a personal conversation between God and Moses. और यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे निर्गमन उसके 33वें अध्याय में कैसे मूसा और परमेश्वर के बीच एक वार्तालाप, व्यक्तिगत वार्तालाप हो रहा है। And this chapter you will find God was so upset and he was very angry with the people of Israel. और यहाँ पर हम इस बात को भी देखते हैं कि परमेश्वर कितना निराश और दुखी और क्रोधित था इज़राइल के लोगों से। And in his anger, he refused to go with his people any further. और अपने गुस्से में परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ आगे जाने से इनकार कर दिया। But told Moses, लेकिन मूसा से इस बात को that he may lead these people. कि वो इन लोगों का मार्गदर्शन करे। God said, I will not go with you. अरे परमेश्वर ने कहा मैं तो तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। But instead he would send an angel to go before them. लेकिन मेरे बजाय एक स्वर्गदूत तुम्हारे साथ जाएगा। And Moses refused to accept this offer. और मूसा ने ये बात जो परमेश्वर से उससे कही इसको मानने से इनकार कर दिया। And this happened after God gave them the laws and commandments, including the Ten Commandments. और ये बात तब हुई जब परमेश्वर इज़राइल के लोगों को पूरी व्यवस्था और 10 आज्ञाएं सारी बातें दे चुका था। The reason was the terrible sin of idolatry and adultery or sexual immorality and other sexual sin the people committed in the valley while Moses was up on the Mount Sinai. और इस कारण ही परमेश्वर का उनके साथ ना जाने का कारण ये था कि उन्होंने जो उस घाटी में किस प्रकार के दुष्ट पापों को किया था, जो कि मूर्ति पूजा और शारीरिक गलत रीति से अनैतिक शारीरिक संबंध बनाना और गलत रीति से अपनी देह को, शरीर को गलत चीजों में देना हर प्रकार से। Remember the situation. और इस परिस्थिति को याद रखें। Moses was up in the mountain receiving the commandments. कि जब मूसा उस चट्टान पर, उस पहाड़ पर था, आज्ञाओं को परमेश्वर से ग्रहण करने के लिए। While he was absent, Moses appointed Aaron to look after the people. और जब मूसा उस पहाड़ पर गया, उसने हारून को नियुक्त किया कि वो लोगों का ख्याल रखे, उनका मार्गदर्शन करे। And so, while Moses was with God receiving the commandments, और जबकि परमेश्वर मूसा के साथ था और मूसा परमेश्वर के साथ उसकी सारी आज्ञाओं को पाने के लिए, the people of Israel were committing terrible sin, breaking the same commandments given in the hand of Moses. तब तो इज़राइल के लोग वो भयानक पाप में करने में लगे हुए थे और उन 10 आज्ञाओं में से आज्ञाओं को तोड़ने में लगे हुए थे जो अभी-अभी परमेश्वर ने उन्हें दी थी। But because of Moses' intercession, लेकिन क्योंकि मूसा ने उनके लिए मध्यस्थता का प्रार्थना की, God relented and promised that he himself will go with them. कि परमेश्वर ने अपने मन को बदला और इस बात को तय किया कि वो खुद अपने लोगों के साथ जाएगा। This is the text. और यही वचन है।
Now let us meditate on God's presence with His people. और आइए अब मनन करेंगे कि परमेश्वर की उपस्थिति कैसे उसके लोगों के साथ रही. The unparalleled privilege of God's people. कि कैसे एक सौभाग्य लोगों को परमेश्वर के लोगों को प्राप्त हुआ. My presence shall go with thee. कि मेरी उपस्थिति तेरे संग संग चलेगी. Not His general universal presence. और परमेश्वर यहाँ पर अपनी जो साधारण या पूरे विश्विक रूप से जो उसका उपस्थिति है उसकी बात नहीं करता. But His very personal and special presence with His people. लेकिन यहाँ पर तो परमेश्वर कहता है मेरी खास और व्यक्तिगत उपस्थिति तुम्हारे संग संग चलेगी. This is to guide them and to lead them. ये इसलिए था कि उनका मार्गदर्शन करे, उन्हें दिशा दिखाए. To protect and to provide. उनकी रक्षा करे, उनके लिए इंतजाम और बातों को मुहैया कराए. एंड सपोर्ट एंड टू स्ट्रेंथन देम. और उन्हें उनका सहयोग करे और उन्हें बलवान बनाता चले. एंड मोस्ट ऑफ ऑल टू अबाइड विद देम. और सबसे बढ़ करके उनमें बने रहे. Now the church is the new Israel of God. और याद रखिए कि कलीसिया ही परमेश्वर का नया इज़राइल है. Do we have such a privilege? क्या ये सौभाग्य हमारे पास भी है? Yes. हाँ. That's what we read in Matthew chapter 28 verses 16 to 20. और इसी बात को हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय 16वें वचन से लेकर के. Now in this passage. लेकिन इस वचन में Jesus gave his church a commission, a mission to fulfill. परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को एक उद्देश्य दिया कि उसे वो पूरा करे. This mission was not going to be easy. और ये जो मिशन था या जो कार्य था ये आसान नहीं था. There will be trials and persecution. सताव आएगा, मुश्किलें आएंगी. And tribulations. और क्लेश आएंगे. Demonic powers, dark powers of darkness working against this mission. और शैतान और उसके अंधकार के शक्तियां हमारे विरुद्ध कार्य करेंगी. But the Lord of the church has promised His own presence with us. लेकिन परमेश्वर जो कलीसिया का परमेश्वर और प्रभु है उसने ये वादा किया है कि उसका व्यक्तिगत उपस्थिति हमारे संग बना रहेगा. Consider what God is promising. और इस बात में ध्यान लगाएं कि परमेश्वर क्या वादा कर रहा है. You have my authority. कि तुम्हारे पास मेरा अधिकार है. When He said, "All authority in heaven and on earth and under the earth are all given to me." और जब उसने इस बात को कहा कि सारा अधिकार स्वर्ग और पृथ्वी में मुझे दिया गया है. Therefore, और इसलिए. Now what does that mean? इसका मतलब क्या है? It means, इसका मतलब है. Through my authority, इसका मतलब है मेरे अधिकार के द्वारा. You go forward. तुम आगे बढ़ते चले जाओ. And do not be afraid. और घबराओ मत, भय में मत रहो. I have overcome the world. और क्योंकि मैंने संसार पर जय पाली है. And surely I am with you. और मैं सच में तुम्हारे संग बना रहूं. Always. सदा के लिए. Even to the end of the age. और इस युग के अंत तक मैं तुम्हारे संग रहूंगा. That is His promise. और यही उसका वादा है. His own presence. उसका व्यक्तिगत उपस्थिति जो हमारे साथ. An angelic presence. और याद रखिए किसी स्वर्गदूत का उपस्थिति नहीं. Of course, no doubt there are angels appointed to God, but that their job is something different. और इसमें कोई संदेह नहीं कि सच में परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को नियुक्त किया है हमारा रक्षा और मार्गदर्शन करने के. So let us consider about this presence. लेकिन उसकी उपस्थिति के बारे में हम सोचे. First of all, पहली बात. This presence is His guiding presence. याद रखिए उसकी उपस्थिति हमारा मार्गदर्शन करने वाला उपस्थिति है. His guiding presence with His people. उसका मार्गदर्शन करने वाला उपस्थिति जो उसके लोगों के संग बना रहता है. For 40 years He led the people of Israel in the wilderness. 40 साल तक उसने इज़राइल के लोगों को उस मरुस्थल या जंगल से. In Deuteronomy chapter 8 verse 2 we read these words. व्यवस्था विवरण उसका 8वां अध्याय दूसरे वचन में हम इस बात को पढ़ते हैं. Remember how the Lord your God led you all the way in the desert these 40 years. और इस बात को कहता है कि याद रखो किस प्रकार से तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हें
40 सालों तक इस मरुस्थल में लेकर करके चला। How about today? लेकिन आज के दिन हम क्या करें? Today he still guide his people. और आज के दिन भी वो अपने लोगों का मार्गदर्शन करता है। We are his people. और हम उसके लोग हैं। We are his servants. हम उसके दास हैं। Serving him in this wilderness. और इस जंगल में जंगल के जो अनुभव है हम उसमें उसकी सेवा करते हैं। This world is not our home. याद रखिए ये संसार हमारा घर नहीं। We are pilgrims and we are foreigners. हम तो बंजारों के समान हैं, विदेशियों के समान हैं। And today he is still the same. और आज के दिन भी वो वही परमेश्वर है। We are the new Israel of God. और हम वो नए इज़राइल घराना हैं। And by his word and by his spirit he is still with us and leading us and guiding us. और अपने वचन के द्वारा और अपनी आत्मा के द्वारा अभी भी वो हमारे साथ है और हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। Isaiah chapter 42 verse 16 says. और यशायाह नबी उसका 42वां अध्याय। I will lead the blind by ways they have not known. और 16वें वचन में लिखा हुआ है कि मैं अंधों को उन मार्गों से लेकर के जाऊंगा जिन मार्गों के बारे में उन्हें कुछ पता ही नहीं। Along unfamiliar paths I will guide them. और उनका मार्गदर्शन करूंगा ऐसे रास्तों पर जिनके बारे में उन्हें कुछ पता नहीं। I will turn the darkness into light. और मैं उनके अंधकार को ज्योति में बदल दूंगा। Into the in darkness into light for his people. और मैं इस अंधकार को ज्योति में बदल दूंगा उनके लोगों के। And make the rough places smooth. और मैं खुरदरी जगहों को समतल बना डालूंगा। These are the things I will do. I will not forsake you. और ये वो बातें हैं जो मैं उनके लिए करूंगा और मैं उन्हें त्यागूंगा नहीं। This is the promise of God. ये वो है वादा परमेश्वर का। Not only for the old Israelites. और याद रखिए ना कि पुराने इज़राइल के लिए। But the new Israel. लेकिन जो नया इज़राइल है। Church. और कलीसिया। His promise is very, very dear. उसका वादा हम सब हमारे लिए बहुत प्रिय है। In Psalm number 73 verse 24 says. और भजन 73 उसके 24वें वचन में लिखा है। You guide me with your counsel. और प्रभु अपने परामर्श से मेरा मार्गदर्शन कर। And afterward you will take me into glory. और उसके बाद तो मुझे महिमा में ले जाएगा। What a wonderful promise. कितना अद्भुत ये वादा है। My friends, there is no greater God we have. मेरे मित्रों इससे महान परमेश्वर हमारे पास है ही नहीं। He takes a very personal interest and love for his people. और वो अपने लोगों के लिए एक व्यक्तिगत रुचि और व्यक्तिगत उपस्थिति उनके संग रखता है। As I close, और जैसे मैं समाप्त करता हूँ, Let us have a short prayer. आइए एक छोटी सी प्रार्थना करें। Oh, our heavenly Father. हमारे स्वर्गीय पिता। What a great God you are. कितना महान परमेश्वर आप हैं। What a great loving God you are. कितने महान प्रेम करने वाले परमेश्वर। Your promises are all true. आपका हर एक वादा सत्य है। And they are for us to enjoy. और ये हमारे लिए है कि हम इनका आनंद लें। As you promised. और जैसा आपने वादा किया। May as we walk in this pilgrim journey. जैसे कि हम इस बंजारे का जो जीवन है इसमें यात्रा करते हैं। There are unfamiliar spots, unfamiliar ways. हो सकता है कई अनजाने रास्ते और अनजाने मार्ग हमारे सामने आ जाएं। Guide us today. हमारा मार्गदर्शन कर। And may we look forward to the day when you shall receive us into your glory. और होने दे हम उस दिन की ओर अपनी आशा को लगाए हों जब तू हमें अपने हाथों में। Meanwhile. लेकिन तब तक we know we will not be left alone in this हमें world. पता है कि इस संसार में हम अकेले नहीं छोड़े जाएंगे। You are always with us. हमेशा हमारे साथ। In Jesus name. यीशु के नाम में। Amen. Amen. My friends, enjoy his presence मेरे today. मित्रों उसकी उपस्थिति का आनंद लें आज के। He will guide you. वो आपका मार्गदर्शन with his counsel. उसके परामर्श के साथ। And you shall be blessed. आप आशीषित होंगे। Amen. Amen.